नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गर्ग। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। रेशम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कारोबार पर असर के मद्देनजर बनारस के साड़ी कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन व सिल्क ट्रेड एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही पीएम से मिलकर कस्टम ड्यूटी कम होने की मांग रखेंगे। रेशम कॉटन के धागों के अलावा जरी के दाम बढ़ने से बुनकरों साड़ी कारोबारियों के सामने संकट आ गया है। रेशम की कीमतें 500 रुपए तक बढ़ गई हैं, जबकि कॉटन धागे व जरी के दाम 200 रुपए तक बढ़ने से साड़ी व ड्रेस मटेरियल की लागत बढ़ी गई है। बनारस में हैंडलूम व पावरलूम पर सबसे ज्यादा रेशम कॉटन के धागों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ने का असर सबसे ज्यादा बनारस व आसपास के जिलों में साड़ी कारोबार पर पड़ रहा है। बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के संरक्षण व एमएलसी अशोक धवन ने बताया कि इससे पहले भी कस्टम ड्यूटी कम कराने के लिए साड़ी कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद ड्यूटी 5% कम हुई है। सिल्क ट्रेड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वैभव कपूर ने बताया कि कस्टम ड्यूटी के संबंध में प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास किया जा रहा है।